वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। आपको मिलाते हैं डॉटर ऑफ सिंध से, सिंध की बेटी से, एक ऐसी बेटी जिसने आवाज़ उठाई, जिसने इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई। इस बेटी के दादा को, वालिद को, चचा को कत्ल कर दिया गया। दे वर गन्ड डाउन ऑन 17th of January 2018। इस बेटी ने आगे बढ़ के इंसाफ हासिल करने के लिए अपने पैरों तले से जो चप्पलें थी वो हटा दी, नंगे पांव भागती रही तपती धूप में। इस मुल्क में जहाँ पे इंसाफ के लिए आपको लड़ना झगड़ना पड़ता है, आदमियों को कितने कितने अरसे इंतज़ार करना पड़ता है कि उनको इंसाफ मिलेगा, ये मासूम बच्ची इंसाफ के लिए, अपने घर के मर्दों के कत्ल के इंसाफ के लिए किस तरह भागती रही। ये एक एक्टिविस्ट है, एक लॉयर है, और इनका ताल्लुक बलूचिस्तान की एक ट्राइबल ट्राइब से। हमारे साथ है द डॉटर ऑफ सिंध, उम्मे रुबाब। अस्सलाम वालेकुम रुबाब, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। थैंक यू। अच्छा रुबाब, सबसे पहले तो ये बताएं, आपकी फैमिली फ्यूडलिज्म की एक शिकार बनी है। फ्यूडलिज्म बेसिकली है क्या और ये क्यों एग्जिस्ट करता है हमारे इन इलाकों में? देखिए, बिटवीन 9th and 15th century यूरोप में ये एक कॉम्बिनेशन था इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल और कल्चरल सिस्टम का। और तकरीबन जो तरक्की याफ्ता मुल्क है उनमें ये निज़ाम दम तोड़ चुका है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम अभी भी इसी निज़ाम के शिकार हो रहे हैं। हालांकि हमारी स्टेट एक आज़ाद, हम रियासत में रहते हैं और ये एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और अगर हम देखें इस्लाम के हिसाब से तो भी हम आज़ाद हैं। बिल्कुल। और अगर हम कानून के हिसाब से बात करें तो भी हर इंसान को राइट है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिए। हम बेसिकली इसीलिए शिकार हुए इस सिस्टम का, क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी पढ़ा लिखा इंसान किसी की भी गुलामी नहीं करना चाहेगा। वडेरा माइंडसेट यहाँ पे ये है कि वो लोगों को अपने ज़ेर रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोग उनकी गुलामी करें, और सरदार जो भी होते हैं वो चाहते होते हैं कि उनकी खास तौर पर ट्राइब के लोग, जैसे वो लोग बोले हम वैसे करें। तो मेरे बाबा ने एक अलम बगावत बुलंद किया। उन्होंने कहा कि हम पढ़े लिखे, हम किसी की भी गुलामी नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो, हमें जो मर्जी हम चाहें हम वो कर सकते हैं। मेरे बाबा के साथ लोग मिलने लगे, उन्होंने ऐसा लोग मिलने लगे, उन्होंने एक जो है कमेटी बनाई तमंदार काउंसिल के नाम से, वो काउंसिल ऐसा सारे लोग इकट्ठे हो गए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये है कि नुमाइंदे भी हमें वही रिप्रेजेंट करते हैं जो कि फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। तो मेरे वालिद के साथ जब लोग इकट्ठे हुए तो इन सरदारों को यही खौफ हुआ कि अब ज़ाहिर है हम इलेक्शंस भी नहीं जीत सकते और लोग बगावत पे उतर आए। और अनफॉर्चुनेटली सिंध में यही सिस्टम है कि हमें तालीम हासिल नहीं करने देते। आप देखेंगे कि सिंध में लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है, और यही वजह है कि वहाँ पर फ्यूडलिज्म है। और इसी वजह से जब मेरे वालिद साहब, दादा और चचा का मर्डर हुआ तो मैं फ्यूडल लॉर्ड्स के अगेंस्ट खड़ी हो गई। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, जिस मुआशरे से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ इतना आसान नहीं है, पर फिर भी मैं इसीलिए खड़ी हूँ ताकि आज मेरे घर में नुकसान हुआ है, कल किसी और उम्मे और बाप के सर से बाप का साया ना छीना जाए। और इंशाल्लाह ये स्ट्रगल मैं कंटिन्यू रखूँगी। और दूसरी बात ये मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि वो मुआशरे कभी तरक्की नहीं कर पाते जहाँ पे इंसाफ नहीं होता। मैं इंसाफ की ये जंग इसीलिए भी लड़ रही हूँ क्योंकि मैं कानून की तालिब इल्म हूँ, और मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में इंसाफ अभी भी बाकी है। हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के लिए ऐसी कोई बात हो कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की बेटियाँ दर बदर हैं और उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। तो इंशाल्लाह ये एक जो माइंड सेट है उसके खिलाफ एक हमने अलम बगावत बुलंद किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सिंध में हमें एक सपोर्ट मिली है और लोग जाहिर बागी हो गए। लोग चाहते हैं कि वो ये आजादी वक्त आ गया है तब्दील हो जाने का सब कुछ, और चेंज तभी आएगा कि जब हम मिलकर इस पे आवाज बुलंद करेंगे। हर किसी को राइट है, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है, हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है। तो यही है कि हम मिलकर जब स्ट्रगल करेंगे, हम वॉइस रेज करेंगे, तो हम आजादी से जी सकते हैं।